दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और नकली बाबा हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप जाके उसे देख ले, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि वहाँ पर गोस्ट किंग आ जाता है। उसकी बातें सुनकर नकली बाबा बोले, हाँ बॉस, आपने मुझे डेड बॉडी का इंतजाम करने के लिए बोला था और मैंने आपके लिए ये स्पेशल आदमी को भी चुना है जो कि है मिस्टर मीट। और ये बेहोश हुआ आदमी हमारा आज का खाना है। हम इसे आपका काम हो जाने के बाद ही खाएंगे। और फिर गोस्ट किंग मिस्टर मीट से पूछता है, बताओ मिस्टर मीट, कहाँ है मरे हुए डेड बॉडी? मिस्टर मीट बोला, हाँ हाँ मैं बताता हूँ, ज्यादातर डेड बॉडी कब्रिस्तान में ही दफन किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पास में ही एक कब्रिस्तान है जो कि आपके पीछे ही है, वहां पर आपको ढेरों डेड बॉडी मिल जाएंगे। और फिर इसके बाद, और ये बात सभी को ठीक लगती है और इसके बाद वो सब के सब कब्रिस्तान की तरफ जाने लगते हैं। ग्रैनी एकदम पागलों की तरह चल रही होती है, शायद इसका दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। ये लोग बहुत ही तेजी से कब्रिस्तान की तरफ जा रहे होते हैं और थोड़ी ही देर में ये लोग कब्रिस्तान के पास आ जाते हैं। कब्रिस्तान के पास आते ही ये लोग अंदर चले जाते हैं और अंदर आकर खड़े हो जाते हैं। अंदर आते ही गोस्ट किंग अपने शरीर को बड़ा कर लेता है और फिर वो गुस्से में अपनी शक्तियों को आजमाने लगता है। शायद ये यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा करने वाला है। और तभी गोस्ट किंग के हाथों में बिजलियाँ कड़कने लगती हैं, शायद अब यहाँ पे कुछ होने वाला है। और तभी देखते ही देखते वहाँ पर बवंडर भी आने लग जाता है। आखिर गोस्ट किंग क्या करने वाला है? ये बवंडर तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है और इसमें से बिजलियाँ भी निकल रही हैं। थोड़ी देर तक ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन जब काफ़ी देर तक अपनी शक्तियों को आजमाने के बाद भी यहाँ पर कुछ नहीं होता तो गोस्ट किंग को गुस्सा आने लगता है और वो अपनी शक्तियों को रोक देता है और फिर वो अपने साइज को नॉर्मल कर लेता है। इसके बाद गोस्ट किंग पीछे मुड़ता है और नकली बाबा से बोलता है, नकली बाबा, मेरी शक्तियाँ यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रही? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी शक्तियाँ कहीं पर काम ना करें। सच सच बताओ, तुम मुझे सही जगह पर लाए हो या फिर ये कोई नकली जगह है? जल्दी से बताओ वरना मैं तुम्हें दोबारा से भस्म कर दूंगा। अब मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जल्दी से ये सब ठीक करो। बॉस, मैंने अपना काम ठीक से किया है, आप मुझे दोष मत दीजिए। मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपकी शक्तियाँ देखी हैं जो कि काफ़ी ताकतवर है और कहीं पर रुकती नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं पता। और मैंने ये काम मिस्टर मीट को करने को बोला था, हो सकता है उसने ही कुछ गड़बड़ी की हो। आपको तो वही यहाँ पर लेकर आया है और हमें भी वही लाया है। ये सुनते ही मिस्टर मीट बोला, गोस्ट किंग, इसने मुझे कहा था कि ऐसी जगह ले चलो जहाँ पर डेड बॉडीज हो, लेकिन इसने ये नहीं कहा था कि वहाँ पर डेड बॉडीज असली होनी चाहिए, तो मैं नकली डेड बॉडीज की जगह ले आया। असल में ये नकली कब्रिस्तान है, यहाँ पर फिल्म की शूटिंग्स होती हैं और वो फिल्म जो है कंचना 3 उसकी शूटिंग भी यहीं पर हुई और इसने मुझे बताया कि नहीं, गलती तो इसी की है ना। फैक्ट्री की मैं ही गधा हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं पागल हूँ जिसे तुम जैसे बेवकूफों का साथ मिला है। तुम्हारे जैसे बेवकूफ किसी को ना मिले, मेरी थू लगेगी तुम सभी को। अब चलो यहाँ से, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, हर बार मुझे ही करना पड़ता है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, चलो जल्दी। इसके बाद ये सारे लोग गोस्ट किंग की बातें मानते हुए वो कब्रिस्तान से बाहर जाने लगते हैं। शायद गोस्ट स्क्रीम की किस्मत ही खराब है जो उसे ऐसे लोग मिले हैं। खैर छोड़ो, अब ये लोग थोड़ी ही देर में वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर सॉन बेहोश पड़ा हुआ था। और इसके बाद ये सारे लोग सॉन को घूरने लगते हैं। सारे लोग सॉन को देख ही रहे होते हैं कि तभी गोस्ट स्क्रीम बोलता है कि अब हमारे पास कोई भी चारा नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता अब कहाँ पर डेड बॉडीज मिलेंगी, तो इसलिए अब मैं पहले अपनी शक्तियों को इस पर ही आजमाऊंगा और इस आदमी को मैं अपना गुलाम बना लूंगा। लेकिन अब तुम लोग इसको खाकर पार्टी नहीं कर पाओगे क्योंकि ये मेरा गुलाम बन जाएगा और गुलाम बनने के बाद ये काफी ज्यादा ताकतवर भी हो जाएगा। और मैं अब मंत्र पढ़ने जा रहा हूँ, कोई भी बीच में मत बोलना वरना मैं उसे भी यहीं पर सुला दूंगा और उसकी कब्र खोल दूंगा यहीं पर। इसके बाद गोस्ट स्क्रीम मंत्र पढ़ने लगता है, ये मेरी गुलामी करे, मेरे पैर साटे थू, जल्दी से ये जिंदा हो जाए, ताकतवर बने थू, जिंदा हो के मेरी गुलामी करना करे शुरू, जल्दी से जिंदा हो जा रे तू। प्रेम क्रेम श्रेम
जा मुंडा है तू, मेरी गुलामी करे, मेरे पैर साटे तू, जल्दी से ये जिंदा हो जाए, ताकतवर बने तू, जिंदा होके मेरी गुलामी करना करे। मंत्रों से सौन का शरीर हिलने लगता है, तभी अचानक से सौन का शरीर हिलना बंद कर देता है। तो दोस्तों क्या होगा अब सौन का, क्या सौन मर चुका है और अब ये उसकी गुलामी करेगा या फिर यहाँ पे कुछ और होगा, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में।